सईद है, मैं एज एन आरजे और कमर्शियल मैनेजर अपना कराची 107 एफएम रेडियो स्टेशन के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। आरजे बनने के लिए एक एफएम रेडियो स्टेशन पर सबसे पहले तो आपकी आवाज़ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, आपका अंदाज़ अच्छा होना चाहिए और आप एजुकेटेड भी हो, क्योंकि पहले फिर भी पाकिस्तान के अंदर एफएम रेडियो स्टेशन जब आए तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस के हवाले से काम नहीं किया जाता था, लेकिन अब जबकि काफ़ी ज़्यादा लोग एफएम रेडियो स्टेशन सुनते हैं पाकिस्तान में, तो अब ये ज़रूरी है कि जो भी आरजे हॉट सीट पर बैठा हुआ है, प्रोग्राम कर रहा है, वो वेल इन्फॉर्म्ड हो और लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन अच्छे अंदाज के साथ पहुंचा सके। घबराहट नहीं हुई कभी, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको बहुत हाजिर दिमाग रहना पड़ता है, 3-4 जगहों पर आपका ध्यान होता है। एक तो आप जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस अंदाज के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि रेडियो पे तो आप हंस रहे हैं तो आपने आवाज़ से बताना है कि आप हंस रहे हैं, आप उदास हैं तो भी आवाज़ से आप बताएंगे कि आप उदास हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है कि आप एक तो कंप्यूटराइज तरीके से जो जो चीज़ें आप प्लग कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आपका रेडियो स्टेशन यूज़ करता है उस हिसाब से, और दूसरा ये कि आप बिल्कुल चाको चौबंद रह के, जिस तरह से एक घर का चौकीदार घर की चौकीदारी करता है, इस तरह से एक रेडियो स्टेशन का जो आरजे होता है वो भी, एक रेडियो स्टेशन जब आप ट्यून इन करेंगे तो उस आरजे की आवाज़ ही वो रेडियो स्टेशन है। तो इसी लिहाज से आपको थोड़ा हाजिर दिमाग रहना पड़ता है, घबराहट कभी नहीं हुई। ये ज़रूर है कि अब जो लोग आरजेस बनना चाहते हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम जंप मार के फ़ौरन से बस हॉट सीट पर बैठ जाएँ, कोई ट्रेनिंग किसी किस्म की कोई भी बात हमारे साथ ना हो, बस हमारा शौक है, हम आरजे करना चाहते हैं, हमें बिठा दिया जाए, हम आरजे कर लें। लेकिन जो लोग प्रॉपर सीखते हुए आ रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन तो नहीं है लेकिन फिर भी जो लोग भी मुख्तलिफ हवालों से एसोसिएटेड रहते हैं, स्कूल लाइफ से कुछ एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, इसी तरह रेडियो पाकिस्तान जो है एक वाहिद ऐसा इदारा है कि जिसमें आप अगर बचपन से बच्चों की दुनिया प्रोग्राम, दैन बज़्मे तलबा प्रोग्राम, दैन इस तरह के प्रोग्राम आप करते रहते हैं, थोड़ा सा आपको आवाज़ का इस्तेमाल सिखा दिया जाता है जो कि आपके आगे जाने के बाद काम आता है। अब जो लोग आरजे बनना चाहते हैं वो डायरेक्टली बस एक फेम लेने के लिए कि हम मशहूर हो जाएं और जब शादी होने वाली हो तो हमारी अम्मा बताएं कि हमारा बेटा जो है वो आरजे है, तो वो अच्छी अच्छी लड़कियां उसको मिल जाएं शादी के लिए, मतलब वो एक इस लिहाज से एक थोड़ा सा फेम के लिहाज से लोग ज़्यादा सोचते हैं बजाय इसके कि वो ये सोचें कि जी हम कितने प्रिपेयर्ड हो। मैं ये तो मतलब बहुत सारी हैं, इतनी सारी वॉइस ओवर्स की हैं मुख्तलिफ आवाज़ों में। हाँ, ये ज़रूर था कि जैसे आजकल बड़ा एक क्रिएटिव साइड पर बहुत ये चल पड़ा है कि आप जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप अपने आप को वो करें, तो थोड़ी देर के अंदर आप अपनी आवाज़ को भारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश सईद और आप सुन रहे हैं अपना कराची 107। तो वो आप कुछ भी मिमिक्री कह लें उसे या आप कैरेक्टर्स कह लें, आवाज़ का इस्तेमाल आना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक्सपेरिमेंट्स इसीलिए करता रहता हूँ कि जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आप अपने ही एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, लोग एक्सपेरिमेंट्स पर इतना ज़्यादा नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, जैसे हैं जो कर रहे हैं उसी में मशहूर हो गए हैं तो बस वही चीज़ करते रहेंगे, नहीं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आप को थोड़ा सा कुछ स्टाइल डिफरेंट कर लें, फिर कुछ कर लें, फिर कोई ऐसी चीज़ कर दें क्रिएटिव के लोगों को सुनने में अच्छा लगे। टेक्नोलॉजी ने इस हवाले से ज़रूर मदद की है कि आपकी फ्लॉलेस ट्रांसमिशन जाती है, कोई गलती के चांसेस अगर पहले ज़्यादा होते थे कि आपने कोई सीडी से गाना प्ले किया है और वो सीडी अचानक से स्किप कर गई तो जो सुनने वाला है उसको वो गाना स्किप होता हुआ सुनाई दे रहा है। अब ऐसे ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि जिनके थ्रू जब आप गाना प्लग करते हैं तो वो वन गो में अगर प्रॉपर डिजिटाइज हुआ हुआ है तो वो अच्छी तरीके से चलता रहता है। तो सेम जिस तरह गाना चल रहा है उसी तरीके से कमर्शियल भी, उसी तरीके से आईडीज भी, प्रोमोज भी, तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। तो टेक्नोलॉजी ने इस हवाले से ज़रूर मदद की कि आप चीज़ों को ठीक तरीके से प्ले करें। आवाज़ जो है वो तो आपकी जो ओरिजिनल वॉइस है वो वैसे ही रहना ठीक रहती है, बेस बढ़ाना, उसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट करना आवाज़ को बहुत आसान है, आप एक सेकंड में कंसोल पे हाथ दौड़ाएं और वो चीज़ें कर लें। लेकिन जब आप फिर नेचुरल किसी से मिलेंगे तो वो पहचानेगा नहीं, वो कहेगा रेडियो पे तो आपकी आवाज़ ऐसी आती है, यहाँ पे आपकी आवाज़ एकदम वैसी हो गई है, तो वो ये क्यों। तो टेक्नोलॉजी ने इस हवाले से ज़रूर मदद की कि आप प्रॉपर तरीके से काम को स्टेप बाय स्टेप करने में कामयाब हो गए। लेकिन आरजे की आवाज़ जो है वो तो कमाई अपनी आवाज़ पे रहा है, उसकी आवाज़ वैसी है। बहुत सारी की हैं, मशहूर भी काफ़ी सारी हुई हैं। एक थी जो जिंगल टाइप में मैंने वो की थी कि
जब ये जिंदगी थक सी जाती है, जब हर शय कहीं रुक सी जाती है, ऐसे में साथ हो 107 का जो अपना साथी है, ये अपना कराची है।